मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठन प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साध रहा है। सोया स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बंपर पैदावार के बावजूद किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण 15 से ज्यादा जिलों में किसान सोयाबीन का उचित मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल कराने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MSP बढ़ाने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह जब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब तक प्रदेश के किसानों की छाती पर लात और गोली मारा करते थे, और जब कृषि मंत्री बने तो किसानों की लागत का भी मूल्य नहीं दे रहे हैं। पहले कहते थे कि आपकी किसान की लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 1,000 की लागत पे 5 से 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन बिका करता था, और आज लागत 3 से 4,000 क्विंटल हो गई और सोयाबीन 4,000 रुपए क्विंटल बिकता है। आपके मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री कहते हैं कि हम 4,800 रुपए की मांग करेंगे, वो 9,200 रुपए घटाना चाहते हैं, आप 2 रुपए बढ़ाना चाहते हैं। क्या पूरी सरकार कंफ्यूजन में है? सीधी बात है, सोयाबीन की कीमत कम से कम 6,000 रुपए क्विंटल बिके तब जाके किसान की लागत निकलेगी। ये भी मिनिमम की बात है, ज्यादा से ज्यादा तो 10,000 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए, क्योंकि जो आपने वादा करा था अगर 5,000 रुपए क्विंटल था तो आज 10,000 रुपए क्विंटल किसानों को मिलना चाहिए। आपके झूठ और सब्जबाग के कारण किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या इस मध्य प्रदेश में कर रहा है, इस देश के अंदर कर रहा, और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। 2 रुपए MSP बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।